वालेकुम एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये एक आ, आ, फ्राइड ड्रमस्टिक की रेसिपी लेग पीसेस चिकन के तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं सेवन टू एट लेग पीसेस जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है अब मैं इसको साइड से स्लिट कर रही हूँ इस तरह से आप भी इसको इसी तरह से स्लिट कीजिए साइड से कट कीजिए तो आपके चिकन Drumsticks स्टिक्स बहुत अच्छे से फ्राई होंगे बिल्कुल भी उसमें कच्चापन वगैरह नहीं रहेगा इस्पेशली जब हम लेग पीसेस फ्राई करते हैं तो अंदर से कच्चापन होता है और ऊपर से वो ब्राउन हो जाते हैं यहाँ पे एक बाउल में मैंने ले लिया है योगट अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट सारे इन्ग्रीडियंट्स की क्वान्टिटी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी ज़रूर चेक कीजिए अब इसमें मैं डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर अगर आपके पास थिक योगट नहीं मिलता है तो आप हंकर्ड यूज़ कीजिए आपके पास जो भी दही है उसको मसलिन क्लॉथ में डाल के उसका सारा एक्सेस वाटर ड्रेन आउट कर दीजिए जिए और वो वाला योगर्ट यूज़ कीजिए इससे आपका चिकन का जो बैटर है वो वाटरी नहीं बनेगा रनी कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा साथ में मैंने इसमें डाल दिया है ज़ीरा पाउडर और अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ पेपरिका पाउडर पेपरिका पाउडर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप कश्मीरी लाल मिर्च भी यूज़ करिए कर सकते हैं फॉर द कलर और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ रेड फूड कलर अगर आ, आप फूड कलर नहीं ऐड करना चाहते हैं तो मत कीजिए लेकिन इससे एक बहुत अच्छा कलर आता है साथ में मैंने इसमें ऐड कर दिया है ऑलिव ऑयल आप कोई सा भी आपके पास अवेलेबल ऑयल है वो ऐड कर दीजिए अब इसमें मैंने डाले हैं बारीक कटा हुआ धनिया और साथ में लेमन जूस चाट मसाला और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ चॉप्ड गार्लिक मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं ऐड किया है चॉप्ड गार्लिक ऐड किया हुआ है तो साथ में मैं डाल रही हूँ सोडियम बाइकार्बोनेट जो है मीठा सोडा या खाने का सोडा इसका एक ही रीज़न है क्योंकि इससे चिकन बहुत जूसी बनता है और सॉफ़्ट बनता है अंदर से अब इसको हम लोग कर लेंगे अच्छे से मिक्स ये देखिए किस तरीके से इसका अच्छे से कलर दिख रहा है अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे कसूरी मेथी कसूरी मेथी का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो ज़रूर ज़रूर ऐड कीजिएगा और ये चिकन ड्रम स्टिक्स जो एकदम अच्छे से आ, ड्रेंड है इसमें मैंने ऐड कर दिया है ये सारा बैटर और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अराउंड टू एंड हाफ़ टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लोर अब हम इसमें ऐड करेंगे अ, मैदा जो है ऑल पर्पज़ फ्लोर इन सारी चीज़ों का आप अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लीजिए अच्छे से मिक्स करने के बाद मैरिनेटेड चिकन को आप रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए फॉर फो एटलीस्ट फोर्टी मिनट्स इससे क्या है कि कोटिंग अच्छे से चिपक जाएगी चिकन पे और यहाँ पे एक पैन में मैंने ले लिया है ऑयल इसको मैंने चेक कर लिया था थोड़ा सा आटा डाल के कि किस तरीके से ऑयल गर्म हुआ है तो ऑयल को बस आपको लो टू मीडियम हीट पे ही गर्म करना है यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ड्रम स्टिक्स और मैं एक टाइम पे तीन या चार ही डाल रही हूँ आप भी उतने ही डालिए वरना ओवर क्राउड होने से कुकिंग का प्रोसेस स्लो हो जाता है और चिकन अच्छे से कुक नहीं होगा तो एक फ़ोर्क की मदद से मैं इसको टर्न कर रही हूँ अगर आप अगर आपके पास टोंग्स हैं तो आप टोंग से भी टर्न कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल है तो चिकन को आपको बार बार नहीं पलटना है वरना पीसेस टूट जाएंगे अच्छे से उसको एक साइड पकने दीजिए उसके बाद आप उसको टर्न कीजिए एक बैच मैंने यहाँ पे निकाल लिया है अब मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ दूसरा बैच ये देखिए कितने अच्छे से चिकन पक गया है यहाँ पे। इस तरीके का कलर हमें चाहिए ऊपर से क्रिस्प और अंदर से सॉफ्ट ज़्यादा इसको ओवर फ्राई मत कीजिए वरना आपका जो बैटर है जल, जल जाएगा और ऊपर का जो बैटर है वो काला भी हो जाएगा और बहुत बिटर टेस्ट करेगा ओवर कुक करने से चिकन आपका ड्राई भी हो जाएगा तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये सारे ड्रम बन चुके हैं मैंने इनको निकाल लिया है सर्विंग प्लेटर पर और मैं इसको गार्निश कर रही हूँ स्लाइस किए हुए अनियन एंड चाट मसाला के साथ उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसे लगा आपको आप इसको स्टार्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं या दाल चावल के साथ भी बहुत मज़े का लगेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मैं आपके साथ मिलूंगी अगले रेसिपी के साथ अंटिल देन अल्लाह हाफिज़